इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, यानी जो आए दिन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई या किसी बीमारी की वजह से उसका ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें ब्लड डोनेट करना पड़ता है ना। तो जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, ऐसा नहीं ना है कि हम किसी भी डोनर को पकड़ के लाएंगे और पेशेंट को ब्लड दे देंगे, है ना। पहले दोनों का ब्लड को मैच किया जाता है और अगर ब्लड मैच कर रहा है तो ही हम क्या करते हैं उस ब्लड को रेसिपिएंट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ब्लड के इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बात सुन में? अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो ब्लड की हम लोग मैचिंग करते हैं ब्लड चढ़ाने से पहले या ब्लड देने से पहले पेशेंट को, वो मैचिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को समझिए। हमारी बॉडी में एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, है ना, और एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन किसी भी एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनता है वो पहले से मौजूद नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। जब भी कोई भी एंटीबॉडी है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी हमारे शरीर में जनरेट हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ एंटीबॉडी तभी बनेगा जब वो पर्टिकुलर एंटीजन, वो पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करता है। यानी हमारी बॉडी में क्षमता तो है कि वो एंटीबॉडी बना सकती है किसी एंटीजन के खिलाफ, लेकिन वो एंटीबॉडी तभी ना बनाएगी जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा। अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, है ना। तो यानी कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तभी होता है जब एंटीजन एंटर करता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए सेम एंटीजन प्लस सेम एंटीबॉडी, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी जब होंगे तब जाकर के रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो क्लॉट कर जाएगा। तो ब्लड का क्लॉट आपको दिखाई देगा। तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी का मतलब क्या है समझिए। इस साइड हम लोग ले लेते हैं डोनर को, ठीक, और इस साइड हम लोग ले लेते हैं रेसिपिएंट को, ठीक है। उधर डोनर है, इधर रेसिपिएंट, यानी इधर ब्लड डोनेट करने वाला है वो पर्सन है जिससे हम ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, और इधर वो पर्सन है जिसको वो ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक। दोनों का ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं, कौन कौन से एंटीबॉडी बन सकते हैं।
तो देखिए रेसिपिएंट ए में एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता होती है वो होती है बी, स्मॉल बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बी में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है ए, ए भी जो है कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है ठीक, और ओ ब्लड ग्रुप का जो आदमी होगा उसके बॉडी में ए प्लस बी दोनों एंटीबॉडी बन सकते हैं ठीक। तो ये हो गए इनके एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हो गए ठीक है। तो हम लोग रेसिपिएंट के एंटीबॉडी को देखेंगे और डोनर के एंटीजन को देखेंगे। चलिए अब मान लेते हैं कि अगर हमारा जो डोनर है ठीक है, मान लेते हैं अगर डोनर हमारा ए ब्लड ग्रुप का है और उसने अपना ए ब्लड ग्रुप ए वाले को ही दिया, तो इसके बॉडी में क्या पहुंचा, इसके बॉडी में पहुंचा एंटीजन ए और ये एंटीबॉडी क्या बनाएगा बी ठीक है। तो जब ए और बी दोनों डिफरेंट टाइप हो गए ना, मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी होना चाहिए तब जाकर के ब्लड जो है वो क्लॉट करता है, यानी ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता ठीक है। और अगर दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, यानी वो हमारा सही तरीका है, सेफ तरीका है ब्लड को ट्रांसफर करने का ठीक। तो देखिए जब एंटीजन ए आया ब्लड ग्रुप ए के साथ तो उसकी बॉडी में बी बन सकता है, तो ए का बी से कोई मतलब ही नहीं, दोनों डिफरेंट हो गए इसलिए यहाँ पे कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी ये प्रोसेस हमारा सही है ठीक। यानी रेसिपिएंट ए को हम ब्लड ग्रुप ए चढ़ा सकते हैं। अब आइए अगर हम रेसिपिएंट ए को बी ब्लड ग्रुप चढ़ाएं तो क्या होगा, देखो बी के साथ एंटीजन बी आएगा और इसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा बन सकता है बी, तो बी और बी सेम टाइप के हो गए तो यहाँ पे क्लॉट बनेगा, यानी ऐसे इंसान की मौत हो जाएगी, यानी हम कभी भी ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते ठीक है। अब आइए ए बी के केस में देखा जाए, ए बी में दोनों एंटीजन है यानी जब ये आएगा तो दोनों एंटीजन देगा और रेसिपिएंट हमारा रेसिपिएंट की जो बॉडी वो कौन सा बना रहा है एंटीबॉडी बी बना रहा है, तो बी और बी देखिए फिर मैच कर जाएंगे और जब मैच कर जाएंगे तो यहाँ पे भी क्लॉट हो जाएगा, यानी ये भी ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता ठीक है। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको हम ए बी भी नहीं दे सकते ठीक। अब आइए ओ में, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं आएगा ठीक है, और जब कोई एंटीजन ही नहीं आएगा तो जो हमारा यहाँ पर बी है वहां पर कोई मैचिंग का तो चांस ही नहीं है, इसलिए ये सही ट्रांसफ्यूजन है, यानी ब्लड ग्रुप ओ हम ए वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको हम ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं ठीक है। तो बस हमें यही देखना है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम तरह के होंगे तो ब्लड हमारा खराब हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट तरह के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ब्लड दे सकते हैं ठीक। चलिए अब दूसरे में देखते हैं, अगर हमारा रेसिपिएंट बी है यानी ब्लड लेने वाला का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको अगर ए देंगे तो क्या होगा, देखो ए में एंटीजन क्या बन रहा है ए और यहाँ एंटीबॉडी क्या बन रहा है ए, ए और ए एक साथ मैच कर गया तो क्या हो जाएगा क्लॉट कर जाएगा, यानी हम नहीं दे सकते इसको ठीक। उसी तरीके से अगर बी वाले को बी चढ़ा दें तो यहाँ एंटीजन बी आएगा और ये एंटीबॉडी क्या बना रहा है ए बना रहा है, दोनों डिफरेंट हो गया यानी ये सही है दे सकते हैं ब्लड ठीक है। इसी तरह ए बी में देखिए ए और बी दोनों एंटीजन आएगा और ये ए बना रहा है यहाँ पे भी मैच हो जाएगा यानी क्लॉट कर जाएगा, तो ये भी ब्लड हम नहीं दे सकते ठीक है। ओ वाले केस में आए कोई एंटीजन नहीं है यानी ये दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक। चलिए अब आ जाइए ए बी में, ए बी के पास देखिए ये कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकते, यानी जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा इन एंटीजन्स के खिलाफ है ना, तो एंटीजन्स के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसीलिए अगर हम इसको ब्लड ग्रुप ए देंगे तो एंटीजन ए आया एंटीबॉडी कोई बनेगी नहीं, यानी सही है दे सकते हैं ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे एंटीजन बी आएगा लेकिन एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, ये भी दे सकते हैं सेफ है ठीक। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों एंटीजन आएंगे कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ये भी सेफ है, ना ना एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है, तो दिस इज ऑल्सो सेफ है ना। यानी ए बी एक ऐसा रेसिपिएंट है जो चारों तरह का ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी इसको कोई भी ब्लड दे सकता है ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है ठीक। अब आइए जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसको वो किससे ब्लड ले सकता है इसकी बात कर लें, तो देखिए ओ में प्लस पॉइंट क्या है, ये दोनों एंटीबॉडी बना सकता है, ए भी बना सकता है बी भी, तो जब यहाँ से एंटीजन ए आएगा तो इसके पास तो ए प्लस बी दोनों बनाने का क्षमता है, तो देखिए ये मैच कर जाएगा, नतीजा क्लॉट, यानी हम ये ब्लड इसको नहीं दे सकते हैं
इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी इसको चढ़ाएंगे तो एंटीजन बी आएगा इसके बॉडी में और ये बी बना सकता है तो ये बी मैच कर जाएगा, यानी ये भी ब्लड हम इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दोनों एंटीजन आ रहे हैं और ये दोनों एंटीबॉडी बना सकता है तो ये तो और तेज रिएक्शन होगा, ये भी ले दिया जा सकता है, है ना, ये भी डेंजरस है। लेकिन जब ओ वाला है तो ओ में कोई एंटीजन नहीं आ रहा है, तो जब कोई एंटीजन नहीं आ रहा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये सही है। यानी जिसका ब्लड ग्रुप, देखिए ध्यान से देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ठीक, वो सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड दिया जा सकता है, कोई दूसरा ब्लड नहीं दिया जा सकता है ना। जबकि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा और वो अगर डोनर है ना, देखिए ये डोनर वाली लाइन है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो अगर डोनर है तो वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, सबके लिए पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं ना। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप, चूंकि चारों ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, इसीलिए हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। जबकि एबी को ध्यान से देखिए, जिस बंदे का एबी ब्लड ग्रुप होगा वो सभी से ब्लड ले सकता है, तो जब सभी से ब्लड ले सकता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर।